आशीष तोमर के, जो कि स्लम से आए हुए इन बच्चों को क्रिकेट की कंप्लीट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें टेक्निक्स बता रहे हैं किस तरह से बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इन बच्चों को सिखाने में। एक्चुअली इन बच्चों को देख के खुद एक एक्साइटमेंट आ रहा है कि बच्चे हार्डली एक या दो बार ऐसे ग्राउंड पर खेले होंगे और ये जो आ रहे हैं और अपना ऐसा पैशन दिखा रहे हैं तो देख के अंदर से लग रहा है हाँ ये बच्चे आगे निकल सकते हैं। और ऐसे में हम लोग कुछ लोग बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम आगे फर्दर कोचिंग के लिए भेजेंगे, वो उस पर मतलब इसको एज ए इनका फ्यूचर देखने के लिए, उनको परखने के लिए एक ऐसा छोटा सा टूर्नामेंट आया स्लम क्रिकेट के लिए। एक मतलब हमारे दीप भैया ने मुझे मतलब बोला, तो जैसे उन्होंने बताया ये स्लम क्रिकेट के लिए हो रहा है तो मैंने इमिडिएटली हाँ बोल दिया, मैं चलो ओके मैं आ जाऊँगा इसके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ऐसा आप जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे आप खुद देख सकते हैं कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स मतलब कोई कुछ का मतलब कोई मतलब मतलब एकदम ही लो क्लास है सारी काम और एकदम से ये सारे आए हैं ऊपर खेलने के बाद कितनी खुशी हो रही है। मेरे साथ दो तीन लोग और हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको भी खुशी होती है, वो उनको सिखा रहे हैं मैं इनको सिखा रहा हूँ अपनी तरफ से, जितना मतलब जितना मुझे आता है मैं उनको अपना 100% देने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब इससे ज़्यादा कि दीप भैया हम बच्चों को जितना हमारे से हो सकता है हम उतना दे रहे हैं। अदर देन दैट मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई डिफिकल्टीज हैं जो आप फेस कर रहे हो इन्हें सिखाने में? इनको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड है, मतलब इतना इनको आता है कि ये लोग खेल सकते हैं, बस इनका जो बेसिक्स होते हैं वो थोड़े से वीक है, वो थोड़ा धीरे धीरे ये जैसे खेलते रहेंगे ऐसे मैचेस जो अपने आप ही कवर अप हो जाएगा। अभी आज 4 मैचेस होने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं और क्या एक्चुअली प्रोसीजर रहेगा। पहला मैच होगा दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली स्टार्स वर्सेस दिल्ली फाइटर्स, उसके अंदर 10 ओवर्स का मैच होगा, इसमें हम पावर प्ले नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे ताकि बच्चे अपने हिसाब से फील्ड ले सकें आराम से ओवर कर सकते हैं, ओवर की लिमिट नहीं रही है ताकि जिसको कुछ टीम में है जिसमें एक या दो ही बॉलर है उसके अंदर हम सबको मतलब चांस देंगे कि वो लोग कितनी बॉल को ओवर कर सकते हैं। तो हम पूरा ट्राई करेंगे मैच आसानी से हो, ईजीली हो, सब हैप्पीली घर जाएँ, हम पूरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे मैच हो और बच्चों को आगे बढ़ने में चांस मिले।